जब आपके ऑफिस से कॉल आएगा कि 9 से 5 के बाद कि ये काम कर दो, तो आप फोन भी नहीं उठाइएगा कि हम नहीं उठाएंगे। समझ रहे हैं क्या मतलब है? कि हर कोई चाहता है कि ड्यूटी टाइम के बाद फ्री हो जाए। हमारा तो कोई ड्यूटी टाइम है ही नहीं। जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का अन अकेडमी पर स्वागत है। और अन अकेडमी हर वेडनेसडे को बहुत सारे बैचेज लेकर के आ रहा है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमने आपको बताया था कि इस संडे को इंग्लिश का टेस्ट होगा, 40 मिनट में 40 क्वेश्चन, और यदि आप उसमें बेहतर कर पाते हैं तो आपको फ्री स्कॉलरशिप के तहत सारे हमारे कोर्सेज आपको फ्री मिल जाएंगे। और वेडनेसडे अभी कौन से, कल है वेडनेसडे, कल कितना तारीख है, 26, 22, 22 तारीख को अन अकेडमी में CGL, CPO, CHSL, CET सबको लेकर के अलग अलग बैचेज आएंगे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव्स में बहुत कुछ आता है, फर्स्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट। अभी आप देखेंगे कि लगभग हर पेपर में SSC में एक आध क्वेश्चन इससे मिल ही रहा है कि रमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला एशियन कौन है, यू थांट किस देश के व्यक्ति थे, या फिजिक्स में पहला नोबेल किसको मिला, पहला भारतीय जिसको ये नोबेल के लिए चुना गया, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन। तो एक एक करके इसमें पढ़ाने के लिए कम है, मतलब ये रटने वाले ही हैं। तो जहां जरूरत पड़ेगा कुछ चीजें नहीं पता होंगी, जैसे आपको ये नहीं पता है कि पहला विदेश मंत्रालय किसके पास था, तो आपसे पूछा जा सकता है। नहीं, जैसे पहली महिला जो हमारे वहां मंत्री बनी थी, तो आप बताएंगे राजकुमारी अमृता कौर। नहीं, तो यहां तक तो सब कोई जान रहे थे, लेकिन सीटी सीटेट ने क्या, सीटी इन्होंने कौन ले रहा है, TCS ने पूछा कौन सा मंत्रालय था उनके पास। तो पहला प्रेसिडेंट आप सबको पता ही है, वाइस प्रेसिडेंट भी सबको पता है, फर्स्ट PM भी पता है, लेकिन फर्स्ट रेल मिनिस्टर आपको पता है नहीं पता है? पता है तो बेहतर है, जॉन मथाई है। जॉन मथाई रिपब्लिक इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, रिपब्लिक इंडिया के, गणतंत्र भारत के, है ना। पहला जो बजट जिसने प्रस्तुत किया उनका नाम क्या था, षणमुखम चेट्टी, तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर इसमें हो सकता है मिल जाए, है ना, सरदार बलदेव से नीचे, षणमुखम चेट्टी। लेकिन पहले रिपब्लिक इंडिया के रेल पूछा जाए तो कौन होता है, जॉन मथाई। तो हमें वैसा नहीं, पहला रेल मिनिस्टर कौन, जॉन मथाई, डिफेंस मिनिस्टर कौन, बलदेव सिंह। दोनों तीनों क्वेश्चन आ चुका है, ये SSC ने पूछा और TCS भी पूछ रहा है इस तरीके के क्वेश्चन। ये मुझे लगता है कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन, ये पहला लॉ मिनिस्टर कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। एजुकेशन मिनिस्टर आपको पता ही है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर पूछा जाए तो माउंटबेटन, इंडिपेंडेंट इंडिया के इंडियन गवर्नर पूछा जाए तो, ये दोनों क्वेश्चन इस बार के TCS में है। कल परसों आपके टेस्ट में भी आया रहा होगा शायद, और नहीं आया होगा तो आ जाएगा, आ जाएगा। चीफ जस्टिस आप सबको पता ही है, हीरालाल जेकानिया। तो जो नहीं पता हो वही लिखेंगे, पता हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा बुक में रहेगा सब कुछ A to Z। हालांकि इसको चाहे तो बहुत ज्यादा एलोबरेट भी कर सकते हैं कि कब से कब तक रहे, क्या उपलब्धि रही, तो लेकिन फिर वो इसी में रह जाएगा। तो अभी हम सिर्फ अपॉइंटमेंट वाले या जो सुपरलेटिव वाले हैं उसी पे बात करेंगे। मतलब मुझे अपना टैलेंट दिखाना हो, तो हम जनरली ऑनलाइन में दिखाते हैं, दो चार कहानी बता देने होगी। रेल जब जा रहे थे तो रेल अचानक एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और जितने एक्सीडेंट होते हैं तो कोई रिजाइन नहीं करता। जैसे मैं पूछूं कि नेहरू मंत्रिमंडल से रिजाइन करने वाला पहला व्यक्ति कौन, हम आपको क्लू देते हैं, पहले हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, औद्योगिक मंत्री। चलो हम आपको और क्लू देते हैं, जनसंघ के संस्थापक भी थे, जनसंघ के। चलो एक और क्लू देते हैं, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी उन्होंने प्रस्तुत की थी। सब कुछ मोदी जी उन्हीं के नाम पे रख रहे हैं आजकल, तक निकम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मतलब इतना क्लू दे, मतलब इतना यदि आप एलोबरेट करेंगे तो बच्चों को कितना नॉलेज है।
हाँ, मैक्सिमम वो और कुछ कुछ अटल, और कुछ बचा तो अपने नाम पे, ये अपने नाम पे। यस, फर्स्ट लोकपाल पिनाकी चंद्रा घोष, ये आ चुका क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप जानते हैं सुकुमार सेन, सीआईसी, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्ला। अभी इसमें मुझे लगता है आप में से कईयों को कुछ नहीं पता होगा, वो एक आपको यहाँ सुकुमार सेन वाला पता रहा होगा। चलो अच्छी बात है, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल एमसी सीतलवाड़, मोतीलाल चमनलाल छिमनलाल सीतलवाड़, मोतीलाल चमनलाल छिमनलाल सीतलवाड़। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा गणेश वासुदेव मावलंकर, जीव मावलंकर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी आईएएस 2009 या 10 में पूछा, मतलब ये टिपिकल क्वेश्चन है जिसपे कोई ध्यान नहीं देता है। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डॉक्टर जनरल राजेंद्र सिंह जी, एयर स्टाफ मार्शल थॉमस एलमरिस्ट, और नेवल हेड एडमिरल आर डी कटारी। अब कितना भी आपको जीके पता हो पूछ लो, यहाँ कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा। तो ये है जीके, जैसे आप में से कई लोग आते हैं कि जी जी इसमें कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, नंबर नहीं आ रहा है, आप पढ़ कितना रहे ये तो बताइए। तो जी हम टीसीएस जो पहले रेलवे ने क्वेश्चन पूछे ना वो कर रहे हैं, और समझाने में मान भी नहीं रहा है, मत मान क्यों, उसके दिमाग में भर दिया गया है कि रेलवे का मतलब स्पीडी, तो वो इस भ्रम से निकलना होगा। रेलवे एसएससी सीपीओ सीजीएल सबका मतलब क्या है, टीसीएस। जितनी जल्दी ये बात समझ जाएंगे उतनी जल्दी आपको मजा आने लगेगा। टीसीएस है बहुत बड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक टॉपिक को घेरते रहेंगे तो काफी हद तक हम घेर लेंगे। लिख दिया जो इसमें काम का था। चल, फर्स्ट इवेंट्स इन इंडिया, भारत का। अब देखो ये क्वेश्चन इस बार कितने पेपर में पूछा है एसएससी ने, किसने लिखा, कब आया, कौन सा पेपर था। तो जेम्स अगस्टस सिक्की ने लिखा था, और न्यूज़पेपर का नाम क्या था, बंगाल गजट, है ना, इंग्लिश में था। हिंदी में पहला अखबार उद्दंड मारतंड, अब कभी मौका मिलेगा तो ये भी पढ़ा देंगे। नहीं नहीं तिलक नहीं, कोई और है, कानपुर से प्रिंट हुआ था, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, पढ़ा दूंगा। मतलब आप सिर्फ कहेंगे कि सर लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ा दो, है मेरे पास सारा कुछ, तो कभी उसको पढ़ा दिया और आ रहे हैं वहां से, तो इसलिए पढ़ाना भी पड़ेगा। मार्तंड, फर्स्ट इशू ऑफ पोस्टल स्टैम्प इन 1825 कहां पर, सिंध में। अरे यहाँ कलकत्ता गजट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, बंगाल गजट लिखा है तो ज्यादा सही है, और लिखा किसने, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। सर ये बंगाल गजट किसमें, इंग्लिश में? हाँ इंग्लिश में, हालांकि इसमें भी दो है, द बंगाल गजट है और बंगाल गजट है, तो ये बेसिकली द बंगाल गजट वाला है। बंगाल गजट बंगला में था तो वो भी कभी, मतलब जिस दिन पढ़ाऊंगा ये मुझे याद दिला देना कि सर एक दिन न्यूज़पेपर वाला हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, तो मैं पढ़ा दूंगा सारा का सारा। मतलब 15 मिनट में हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन मजा आ जाएगा कि पहला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस पे लगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की वजह से किसने बंद कर दिया, उससे ढेर सारी बातें। ये बुक जो लिखी गई, ये अखबार किस भाषा में था, कौन रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अचानक इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, ये सब आते हैं क्वेश्चन। रेलवे कब स्टार्ट हुई, तो 1853 में, किसके टाइम पीरियड पे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, कहां से कहां तक, बॉम्बे से ठाणे तक 34 किलोमीटर। यस, फर्स्ट एयर मेल है ना, जो भी टाटा, रतन टाटा क्या नाम था टाटा जी का, जमशेदजी टाटा, उन्होंने शुरू किया था। इसीलिए अब जब वापस आया इनके पास एयर इंडिया के नाम से, तो ये खुशी मना रहे हैं। पूरी कहानी है उसके पीछे भी, उनका किस तरीके से फ्लाइट फेल हुआ। अब शायद मूवी भी बनेगी इस साल, क्योंकि आजकल हम रियल स्टोरी पे मूवी बनाने के लिए ज्यादा तत्पर हो गए, दूसरे के संघर्ष की कहानी से देख करके कुछ एक आध घंटे के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं, नहीं बहुत बची है, आपकी कहानी आपके जीवन पे बन जाएगा, पहला रैंक लाइए, शॉर्ट मूवी तो हम ही बनवा देंगे, तो 4 लाख लगा के।
और फिर बड़ी मूवी अपने ऊपर बनाएंगे। हाँ, ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड इन इंडिया है ना, कब तो बनाना पड़ेगा भाई। है? चार। वैसे मैं ये पढ़ाऊंगा आपको, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है वो बच्चा अब नहीं आ रहा है जिसका छूटा हुआ था, तो आप लोग को जीरो से पढ़ाऊंगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि स्ट्रेटेजी क्या आसान है। जैसे मैं आपको जब ओलंपिक पढ़ाऊंगा मजा आएगा, पूरा हिस्ट्री एक बार पढ़ लेंगे, अवार्ड्स पढ़ेंगे एक बार तो मजा आएगा, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ेंगे, कल शुरू करेंगे। हाँ ऐसा, टेलीग्राम पे सारे टॉपिक के पीडीएफ पढ़ेंगे, श्योर 60 के टेलीग्राम पर सारे टॉपिक के। यदि आपने टेलीग्राम छोड़ दिया तो बहुत खुशी की बात है, नहीं बहुत मतलब भी आप यकीन मानिए आप सफलता के बिल्कुल नजदीक है। जिस दिन आप ईमानदार हो जाएंगे मेरे द्वारा कही गई बातों को कोई रोक नहीं पाएगा, जैसे इन्होंने नहीं छोड़ा अभी टेलीग्राम। हाँ ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में, ऑल इंडिया रेडियो एस्टेब्लिश हुआ 1936 में, टेलीविजन भारत में कब शुरू हुआ है 1959 में। क्या ये क्वेश्चन अभी नहीं है टीसीएस में कि पहला एटॉमिक पावर प्लांट कहां पर, तारापुर में, यह आने वाला होगा आजकल में आपके पेपर में आ गया होगा, आ गया ठीक है। कि कईयों को तो मूर्खों को पता नहीं है कि जो हम जीएस दे रहे हैं आजकल वो टीसी वो एनटीपीसी का दे रहे हैं, सीजीएल वाला है सर, ऐसा थोड़ी ना आता है। मैं ठीक, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कैरिड आउट कहां पर, पोखरण में, किस नाम से, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट, ये भी आने वाला है आपके टीसीएस में, मतलब आ चुका है, पूछेगा भी आप, या आ चुका होगा पेपर में। हाँ हाँ तो पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियर टॉपिक भी एक है, मतलब सैटेलाइट टॉपिक, उसमें सब पढ़ाते हैं, फ्यूचर के क्या क्या है, गगनयान कब आना है, सब ए टू जेड। कल आपको मैं एक इंडेक्स दे दूंगा स्टैटिक का, और उसके बाद एक एक इंडेक्स वाइज पढ़ना शुरू कर देंगे, तो कुछ चीजें मैं खुद ही बता दूंगा कि ये चीज आपको पढ़ना है। जैसे मैं आपको ये पढ़ाऊं कि किस स्टेट में कौन सा डांस है तो लॉजिक नहीं है, लेकिन हाँ क्लासिकल डांस मुझे पढ़ाना है तो कुछ चीजें आपको रटनी होंगी। कुछ जैसे हमने फेस्टिवल पढ़ा दिया आपको, लेकिन फेस्टिवल में वो नहीं पढ़ा है कि यूपी में ये फेस्टिवल होता है, वो रटना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा था छड़ी डांस किस राज्य में, आजकल पेपर में आएगा आपके, वेस्ट बंगाल में, तो कई बार टीसीएस ने पूछ लिया लेकिन आपने सुना ही नहीं होगा, आप बोले ऐसे कहां से आ रहा है, लेकिन अपने नोट्स में कौन सा लूर। हाँ अब देखो कई कई छोलिया तो आ चुका है, कई बार आया हुआ, हाँ छोलिया तो कई बार आया। कलर टेलीविजन कब शुरू हुआ 1982, देखो हम लोग लकी हैं, रंगीन दुनिया देख पाते हैं। फर्स्ट मेट्रो ट्रेन आपको पता है ये कोलकाता में, अब हमें जिस दिन रेलवे पढ़ाएंगे उस दिन हमें भी तो पढ़ाएंगे कहाँ कहाँ मेट्रो चल रही है, बढ़ती ही चली गई, 16 तक में साथ पहुंच गई। हाँ हाँ मतलब हर जगह पहुंच रहे हैं। इंटरनेट कब आया इंडिया में 1995, किसके द्वारा शुरू किया गया, बीएसएनएल, खुद खत्म होने जा रहा है। फर्स्ट मिशन टू मून चंद्रयान कब लॉन्च किया गया 2008 में। अब हमसे क्या पूछा गया कि उस समय इसरो का हेड कौन था, तो जिस दिन मैं ये पढ़ाऊंगा सैटेलाइट उस दिन बताऊंगा कौन हेड था, जी माधवन नायर है ना। फर्स्ट मिशन टू मार्स मंगलयान किस ईयर में, यही पूछा सीधे सीधे, ये भी पूछा सीधे पूछा कि भारत का जो सबसे सस्ता मिशन था मंगलयान मार्स मिशन कब शुरू हुआ 2013 में, तो ये मैं पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक ही अपने पास है सैटेलाइट वाला। इंडिया फर्स्ट न्यूज़पेपर फैक्ट्री वाज सेटअप एज नेपा नगर, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि नेपा नगर किस लिए फेमस है, कागजों के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, 1947 में। इंडिया फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री सेटअप इन चेन्नई 1904 में, तो हमसे आसान क्वेश्चन क्या हुआ चेन्नई, टफ क्वेश्चन क्या हुआ ईयर, टीसीएस यही टफ वाला पूछ रहा है, तो हमें लग रहा है ऐसा कहां से पूछता है लेकिन पूछ रहा है। इंडिया फर्स्ट स्टील फैक्ट्री सेटअप इन जमशेदपुर किसके द्वारा, तो आप जानते ही हैं जमशेद टाटा के द्वारा। इंडिया फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेटअप इन बॉम्बे 1854, तो इतना आपको पता होना चाहिए कहां पर खासकर,
जब मैं इनके वो नाम होता है पॉपुलर नेम कि कॉटन सिटी ऑफ इंडिया और ये, तो वहां पे आएंगे दोनों तीनों दोबारा। अब देखो क्या यहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सीधे आ रहा है कि गोवा में नियुक्त होने वाली पहली महिला सीएम। अब ये कर ऐसे कौन याद कर पाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। दो तीन बार पढ़ोगे, ऑप्शन देखोगे तो कर दोगे। तुम्हारे स्टेट का तुमको याद ही है, राबड़ी देवी एक वुमेन एम्पावरमेंट के एग्जाम्पल है। नहीं पढ़ी लिखी है फिर भी राज्य संभाल दी, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग ही शासन करेंगे? पढ़ाई निर्योग्यता का आधार नहीं बनना चाहिए। इस पे कोई मूवी भी बनी है शायद, या वेब सीरीज शायद। बिहार में राबड़ी देवी, असम, वैसे ओवरऑल पूछा जाए पहला राज्य जिसमें बनी थी, उत्तर प्रदेश में सुचिता कृपलानी। नहीं, और दिल्ली में सुषमा स्वराज, गुजरात में आनंदीबेन पटेल। तो कई बार ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाओगे, लेकिन मान लो वहां जानबूझ के ऐसे ही पटेल पटेल दे दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे। गोवा दमन दीव में शशिकला काकोदकर, मध्य प्रदेश में उमा भारती, कुछ लोग तो आप अवगत भी हैं उमा भारती से, आप अवगत होंगे। उड़ीसा नंदिनी शतपथी, आनंदीबेन पटेल तो अभी बनी ही थी, है ना। हाँ गवर्नर हो गई अब। हाँ उड़ीसा नंदिनी शतपथी, पंजाब राजेंद्र कौर भट्टाल, और राजस्थान वसुंधरा राजे, इनसे भी आप अवगत होंगे। तमिलनाडु जानकी रामचंद्रन, लेकिन मान लो इसी में जयललिता आ जाता तो पक्का वही करते ऑप्शन में। नहीं नहीं जानने लगता कहाँ, यही होंगी। हाँ जयललिता अम्मा जिनको कहते थे प्यार से। वेस्ट बंगाल में दीदी, और जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती शहीद। अब देखो गवर्नर, अब मैं पूछूं कि पहला गवर्नर महिला किस राज्य में, तमिलनाडु। हाँ और मैं हरियाणा में कोई महिला नहीं बन पाई, बिना महिला वाले पुरुष जरूर बनेंगे ये। आंध्र प्रदेश में शारदा मुखर्जी, और गुजरात में भी वही शारदा मुखर्जी। हिमाचल प्रदेश सेला कौल, जैसे कल परसों कोई मिला था बोला कि केबीसी में पूछा था 50 लाख का क्वेश्चन कि एक व्यक्ति जो 3 राज्यों का मंत्री रहा, उनके कुछ रिश्तेदार थे आपके हरियाणा के ही हैं, वो नू के कोई मुस्लिम है, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो कहे कि वो मेरे रिश्तेदार हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जानना चाहिए। मैं कहा जितना मुश्किल प्रश्न में कहाँ पता हो, तो जी केबीसी में 50 लाख का पूछा था। मैं कहा उससे मुश्किल टफ एक नंबर पे आता है हमारे वहाँ। आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश शीला कौल, तो अब आपको माइंड में क्या लगेगा कि अरे इतना कौन पढ़ेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। जब ऐसे पूछ देता है कि गोवा में चुनी गई पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो आप ये चिल्लाते रहे कि ऐसे क्यों पूछ रहे, लेकिन पूछ तो लिया। या उल्टा पूछ लेगा कि मार्गरेट मार्गरेट अलवा जो थी किस राज्य की पहली गवर्नर महिला गवर्नर बनी थी, पूछा है, उठा के पेपर देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ हम पढ़ के जाए, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं। जैसे कल परसों कोई कमेंट करता कि सर मैं इतना पढ़ा था और एक भी नहीं आया, तो आज नहीं है कल तो आ जाएगा, पढ़ा हुआ नुकसान नहीं होगा। और नहीं पढ़ा होगा तो ये पेपर जरूर खराब हो जाएगा। फर्स्ट इन इंडिया वुमेन, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। 5 महिलाओं को मिला है जिसमें सबसे पहले इंदिरा गांधी जी को मिला। फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिया, अभी पढ़े लिए थे, सुरेंद्र नायडू यूपी, और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर सुदेव कृपलानी यूपी, फर्स्ट सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ स्मृति राजकुमारी अमृता कौर। ये कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास, जहां तक मुझे लगता है एजुकेशन ही था, कोई ऑनलाइन वाला देख के बताएगा तो ठीक है। नहीं प्रेजेंट में नहीं, पहली जब ये मंत्री बनी थी किस मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय था, तो मुझे ऐसा याद है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री था। तब तक कोई कमेंट करके चेक करके ऑनलाइन वाला बता सकता है, उसके पास मोबाइल है, आपके पास नहीं है। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट 1917 में, और 1925 में सरोजिनी नायडू, ये कहां पर, कोलकाता में, वो कहां पे, कानपुर में। चल फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, ये आपको लिखना चाहिए, मिसेज रामा देवी।
फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दीपक संधु. जीएस समझ जाएगा तो आप लोग का नंबर बढ़ जाएगा ना. कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ पहले टीसीएस के सारे क्वेश्चन प्रीवियस और स्टैटिक टॉपिक वाइज, बस 30-35 नंबर जीएस में आ गया, गेम बदल गया. किसी को मैंने डांटा था प्री के बाद, मैं तूने नाम डुबा दिया मेरा, उसी का क्यूआईपी में सबसे ज्यादा नंबर है अब तक. मुझे किसी शर्म भी आती बताने में तेरा क्यूआईपी में ज्यादा नंबर है. परसों आया अगर मेरा नंबर 172 हो गया, और अब प्राउडली किसी को भी बता दीजिएगा कि मैं हूँ, मुझे अच्छा लगा. तो ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए आप लोगों के बीच में रहता हो. फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दीपक संधु. फर्स्ट वुमेन टू अपॉइंटेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो पता ही होगा, मिसेज मीरा कुमार. इनके पापा जी का नाम क्या है? बाबू जगजीवन राम. बाबू जगजीवन राम की उपलब्धि क्या है? सबसे लंबे समय तक मिनिस्टर रहने वाले. इनके पास, हाँ, इनके पास कोई बेटा नहीं था, तो इन्होंने बेटी का नाम बेटा के नाम से रखा, मीरा कुमार, नॉट कुमारी. जैसे आपको लगे कि स्पेलिंग गलत है, ये तो कुमारी होना चाहिए, है ना, लेकिन वो कुमार ही है. बहुत सारे मिनिस्ट्री रहे बिहार, बाबू वहीं के होते हैं. वैसे तो बाबू हर जगह है आजकल, हाँ, कोई कभी भी किसी का बाबू बन सकता है. द वुमन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली मिसेज विजय लक्ष्मी पंडित. आपको पढ़ा ही होगा ये. अब जनरल असेंबली क्या होता है तो आगे हम चल के पढ़ेंगे कि एक साल के लिए चुना जाता है जनरल असेंबली का हेड. 52-53 में चुनी गई थी. यूएन की भी पहली है और भारत की तरफ से पहली, और भारत की तरफ एक ही मात्र है बल्कि जनरल असेंबली में चुना गया. द फर्स्ट वुमन जज ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो फर्स्ट वुमन जज ऑफ हाईकोर्ट एज द जस्टिस अन्ना चांदी. मुझे लग रहा है गलत है यार, लीला सेठ है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की. ये अन्ना चांदी मुझे लगता है कि इन लोअर कोर्ट में तो है नहीं. अच्छा एक मिनट, ये दोनों बात, दो बात कह रहा है. फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंडिया, ओके ओके ओके, यहाँ भी एक पॉइंट है. सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली पहली महिला जो हाईकोर्ट में भी जज रही, तब जाके बनेगा ये अन्ना चांदी. सिंपली ये पूछा जाए कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो हिमाचल प्रदेश की लीला सेठ है. हाँ, फर्स्ट वुमन टू चीफ जज, यस. ये चीफ जज नहीं, एक सिर्फ जस्टिस है और ये चीफ जज बनी, तो लीला सेठ. और कहां पर? हिमाचल प्रदेश में. वही मैं कहूं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए. और फर्स्ट वुमन टू अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मिसेस फातिमा बीबी. तो दोनों आए तो ये अन्ना चांदी, सिंपली ये आए तो, और सिर्फ सिंपली आए तो. तीनों क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? एकमात्र महिला जो पहले सुप्रीम कोर्ट में गई, तो कौन हो जाएगा? फातिमा बीबी. जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में पहली बार महिला के रूप में गई, अन्ना चांदी. और हिमाचल प्रदेश किसी हाईकोर्ट की चीफ जज बनने वाली, लीला सेठ. अभी तक ध्यान रखना, कोई भी चीफ जज इंडिया में महिला नहीं बनी है. शायद 26 में बता रहे हैं कि बन जाएगी, जो भी क्रम चल रहा है, या 24 में अभी कोई महिला है जो अभी उसका क्रम आ जाएगा चीफ जज के रूप में. डिस्ट्रिक्ट की केरल की है, इसमें नहीं है, बता देंगे. वो केरल की है, केरल के त्रिवेंद्रम में डिस्ट्रिक्ट जज हैं. तब तक ये हमारा भाई सर्च करता रहेगा ऐसे ऐसे फैक्ट. फर्स्ट चीफ जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फर्स्ट लेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, ऐसे करके देख लो. इंग्लिश चैनल आपको पता ही होगा, ब्रिटिश इंडिया के पास. किसने पार किया? आरती शाह ने. बता दो तब तक क्या लिखना. फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल, ये हम पढ़ाएंगे. कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में. 2000 में कहां पर? सिडनी, वेटलिफ्टिंग, सिडनी सही है. ओलंपिक हो, इसे हम डिटेल पढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि 16-17 लोगों में जिनमें मिला है किस तरीके से मिला. इस बार थोड़ा सा रिकॉर्ड बन गया सम्मानजनक, नहीं तो हम पढ़ाते थे जितना माइकल फिलिप्स ने एक सीरीज में जीता था उतना हम पूरे भारतीयों ने अब तक जीता है. हाँ, महिला स्वस्थ करो,
चीफ चीफ करके सर्च कर लेना क्योंकि ये नाम तो है नहीं जो मेरे दिमाग में है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ आसियाड मेडल, कमलजीत सिंधु। आसियाड आप समझते होंगे, एशियन देशों के होता है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, बछेंद्री पाल। वर्ल्ड में नहीं, वर्ल्ड में तो पुरुष है। अच्छा, ओवरऑल महिला, ठीक कह रहे हो। जो मैं जब लास्ट ईयर ये पढ़ा रहा था, कोई विकलांग गई थी तो वहां मैंने सारे रिकॉर्ड पढ़ाए थे। चलो वो भी देख लेंगे, ऐसे टॉपिक लिख लेना एक बार जो ऐसे मुझे छूट रहे हैं कि आप एवरेस्ट पे चढ़ने वाले महिला पुरुष का रिकॉर्ड वो लिख लेना। साउथ पोल पे जाने वाली पहली, अब जैसे अच्छा हालांकि वर्ल्ड वाला भी है, एक बार मैं वहीं पहले दिखा देता हूँ तब आएंगे वापस तो ठीक रहेगा। जैसे अब नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाला पहला कौन है, रॉबर्ट पियरी। माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाला पहला एडमंड हिलेरी, नेपाल से है। फर्स्ट मैन इन साउथ पॉइंट, साउथ पोल, रोल्ड एमल्सन। वहां पे हम इंडियन पढ़ रहे थे तो मैंने जानबूझ के सामने रखा है। फर्स्ट मैन टू क्रमिनेट इन द वर्ल्ड, चक्कर लगाने वाला, तो कौन हो गया, एनरिक मैगलांस। कहाँ से, मलय से। मलय कौन सा देश हो गया, मालदीव को कह रहे हैं क्या, माले माले माले, ओके 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 ओके, मालदीव का ही तो माले है, वही तो वही है क्या, चलो तो ठीक है मालदीव लिखना है। और फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रांग। तीनों का हमने क्यूआईपी ने नहीं पूछा है, वो बेसिकली टीसीएस ने पूछा है। तीनों लोग का नाम था, तीन लोग गए थे, एक उसी में रह गए था, दो उतरे थे। उसमें एक्सप्लेनेशन हमने दिया है, जिस दिन पूछा है यदि एक्सप्लेनेशन देखोगे तो तीनों का नाम दिया हमने। जनरल सेक्रेटरी जो सबसे पहले आया, त्रिगवेली। त्रिगवेली कहां से, नॉर्वे से, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। फर्स्ट वुमन इन स्पेस, तो कहां पे है, वेलेंटिना। मतलब आप जो कुछ सोचेंगे लगभग हम सब कुछ आपके सामने दे ही देंगे। अब दिक्कत क्या है कि ये पढ़ाने का टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे फर्स्ट एनिमल इन स्पेस कौन सा गया, किसके थ्रू गया, कब गया, फर्स्ट प्रेमेट इन स्पेस, फर्स्ट मैन इन स्पेस, फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, फर्स्ट पर्सन। लेकिन मैं पढ़ाते पढ़ाते थक जाऊंगा, लेकिन आपको रटना पड़ेगा, ये आ रहा है आज क्वेश्चन। आप नहीं, वो गलत है, वो मैंने बताया था, वो निकम्मे जो खुद ही कभी एसएससी में बैठे हुए पेपर बना रहे तो उनके साथ दिक्कत हो गया। तुम बनाओगे तो जैसे तुमको कहूंगा माउंट एवरेस्ट बनाओ तो तुम पूरा फिजियोग्राफी बनाओगे, ऐसे करो तो वो क्या कर रहा है, गूगल पे जा रहा है और माउंट एवरेस्ट पे सबसे टूरिस्ट स्पॉट कौन सा है तो ऐसे बना देगा क्वेश्चन, वैसे बुक में ही नहीं। अब जैसे फर्स्ट अमेरिकन सेटेलाइट कौन सा हो गया, एक्सप्लोरर वन, कब लॉन्च हुआ, 58 में। लेकिन वर्ल्ड का पहला सेटेलाइट कौन सा है, स्पुतनिक, 1957 में। सोचो कितना रिवोल्यूशनरी रहा होगा जब हमने ये डिसीजन लिया होगा। फर्स्ट ब्रिटिश सैटेलाइट, फर्स्ट कनाडियन सैटेलाइट, तो इतना नहीं पढ़ना है यहां तक ठीक है, ये दोनों तक। नेबरिंग कंट्री में जो हमने पढ़ा है वो पढ़ लोगे, तो पाकिस्तान का पढ़ लोगे, बद्र, इंडियन आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट के बारे में कुछ जानकारी है, मतलब अभी आप देखते तो जाओ कितने कैटेगरी हो सकते हैं, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, यहां से क्वेश्चन है, फर्स्ट एनिमल तो आपको पता ही होगा, कई बार पढ़ा होगा आपने, मैन इन स्पेस आपने पढ़ा ही है, वुमेन इन स्पेस पूछ चुका कई बार, फर्स्ट पर्सन टू वॉक इन स्पेस, फर्स्ट वुमेन टू वॉक इन स्पेस, फर्स्ट अमेरिकन स्पेस,
फर्स्ट अमेरिकन टू द ऑर्बिट टू द अर्थ, फर्स्ट मैन ऑन द मून, फर्स्ट इंडियन राकेश शर्मा, किसके थ्रू? सुयोज के थ्रू। जब इंदिरा गांधी ने पूछा हमारा भारत कैसा दिखता है, तो कहा कि सारे जहां से अच्छा है। हाँ, कौन से मिशन से गए? फर्स्ट यूएस ओपन वुमेन स्पेस, फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट डेनिस टूटो, ये तो कई बार आ चुका है। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। तो स्पेस स्पेस है जितने लगभग पॉसिबल क्वेश्चन वर्ड के बन सकते हैं, वो हमने एक जगह कर दी। फर्स्ट वुमेन टू विन ओलंपिक, ये हमने ओलंपिक में पढ़ना ही है आपको, ये ओलंपिक में आएगा ये। फर्स्ट फीमेल कमांडर इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब जब एग्जाम में आता है तो बच्चा कहता है कि यार ऐसे नहीं आना चाहिए, लेकिन आ रहा है। फर्स्ट इंडियन टू अवार्डेड बाय रमन मैग्सेसे, विनोबा भावे। विनोबा भावे किस लिए? भूदान आंदोलन के लिए। गांव में गए और राजा को कहे कि थोड़ा बहुत गरीबों को अपनी भूमि दान दे दो, तो राजा ने बुलाया कि रामू इधर आओ और इस पर अंगूठा लगाओ। बोला ये किस लिए? तो बोला दो खेत तुम्हारे, श्यामू तुम इधर आओ, तीन खेत तुम्हारे। अब रामू मन मन में सोच रहे हैं अब काम थोड़ी ना करूंगा इनका। फिर विनोबा चले गए, फिर बुलाया रामू इधर आओ, एक बार और अंगूठा लगाओ। क्यों मालिक, और दे रहे क्या? मारेंगे तो थप्पड़ दे, जो दिए थे वापस ले रहे। तो ऐसा आरोप लगाया कि भूदान एग्जैक्टली उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन जो भी है सुनकर तो अच्छा लग रहा है कि हाँ भूदान आंदोलन चला था। हाँ, फर्स्ट इंडियन टू अवार्डेड द बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान, इंदिरा गांधी। फर्स्ट इंडियन एंड इंडियन ओरिजिन टू अवार्डेड द राइट लेवलीहुड अवार्ड, आगे चल के पढ़ाऊंगा, 1917 में शुरू किया गया है ना। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज, एम एस स्वामीनाथन। बल्कि ये शुरू ही किया गया था इनके नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, और पहला अवार्ड भी मिला ही नहीं को, नहीं भारतीय को नहीं, पहला भी मिला ही नहीं को, शुरू में इनको मिल गया।
तो किसके द्वारा बनाया गया था ये? शाहजहां के द्वारा, और इसका ओरिजिनल नाम क्या है? मस्जिद जहां, लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा गुंबद वर्ल्ड का। सेंट पीटर्स बिलिस का कहां? रोम। गोल गुंबज कर्नाटका, गोल गुंबज एट बीजापुर इज द मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। लगभग 20 साल 22 साल इसको बनाने में लगा दिए। मुझे डैम अलग से पढ़ाना भी है आपको, तो यदि थ्री गॉर्जेस बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं, मैंने पढ़ाए थे जब चाइना पढ़ाए थे तो याद हो। यांगजी रिवर पर याद करो, पढ़ाया हुआ आपको। बांग्लादेश में, चाइना में पढ़ाया मेरे भाई। एरिया वाइज मध्य प्रदेश, परसेंटेज वाइज मिजोरम। मध्य प्रदेश के बाद एरिया वाइज कौन आएगा? अरुणाचल प्रदेश, और मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश। लास्ट ईयर फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था 2019, और उससे टीसीएस ने 4-5 पेपर में पूछा था अलग अलग। एक में पूछा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ किस में देखने को मिला है फॉरेस्ट का, ऐसे ऐसे मतलब बढ़िया। तो करेंट वाइज था वो क्वेश्चन। इसमें से एक भी नहीं है। बर्लिन था ऑप्शन में? नहीं था। बर्लिन था, चलो ठीक, लेकिन नीचे एक्सप्लेनेशन तो देखो। बर्लिन द बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन इज द ओल्डेस्ट एंड द बेस्ट नोन इज द जर्मनी ओपन इन देश। श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क तिरुपति आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में वो देखना, उसमें ये सेल होगा वही। हाँ यही दे दो मुझे। मतलब पढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता है, आपको भी मजा आता है, हमें भी मजा आता है। श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क भारत का सबसे बड़ा कहां पर? आंध्र प्रदेश में। फर्स्ट सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑर्बिट अर्थ। तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा था? स्पुतनिक था 1957 में रशिया के द्वारा। चाइना पढ़ाया था हमने कि सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पड़ोसी देश उसके पास है, इसलिए उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा एग्रेसिव पॉलिसी के तहत। देखो इसकी कोई औकात नहीं देश की, फिर भी इतने सैनिक रख रखा है। हाँ किसकी? क्यों? तीन साल तो चाइना वाले भी लेते हैं, जापान वाले भी ले रहे 1.5 साल। हाँ मतलब हर देश ने कर रखा है। अब जैसे हमारे में एक चलता है टेरिटोरियल आर्मी, उसमें आप और मैं भी जा सकते हैं, 2 महीने के लिए जाइए। हाँ हाँ बनते रहते हैं, आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं,
एग्जाम पास करके फिर इंटरव्यू होता है, पहले ये पास कर लेते हैं। हाँ, फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट डेनिस टूटी टीटो, टीटो भी पढ़ा था आपने। विच इज द बिगेस्ट अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क, यदि न्यूयॉर्क बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं। लंदन पहला था, सबसे बड़ा न्यूयॉर्क। बीजिंग सबवे इज द वर्ल्ड बिजिएस्ट एंड लॉन्गेस्ट मेट्रो स्टेशन। ओल्डेस्ट कौन सा? कोपेनहेगन। चल यूएसएसआर, आर्किपेलागो नहीं, स्वेज बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, वही थ्री जॉर्ज वाला। इनकी तो लेंथ बहुत कम है, मैंने बहुत ही कम है, लगभग 150 के आसपास है, और इसकी और भी कम है। हाँ तो ये हम पढ़ाएंगे, बेसिकली कैनाल पढ़ाना है। ये तो चर्चा में है हमारे आसपास में, तो इसलिए हमें लगता है कि ये बड़ी होंगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? व्यस्त कह सकते हैं। ये देखिए ग्रैंड कैनाल कितना किलोमीटर, 1776 किलोमीटर, और उनका नंबर जो हम नाम सुने हैं उनका नंबर तो है ही नहीं आया कहीं अभी तक नहीं। ये बेसिकली कैनाल एक चैप्टर पढ़ाना है, उसके लिए तैयार हुआ मैटर। यहाँ है पहला मेडिटेरियन सी से रेड सी को, यही पूछता है एग्जाम में किसको जोड़ है। हाँ यूरोप और एशिया को मिलाने वाला, ये पहले इतना घूम के आते थे अंग्रेज, फिर यहां पे बना दिया गया। पनामा देखो कुछ नहीं है, 81 क्या है पनामा, तो नॉर्थ कोरिया अमेरिका को यहां से जोड़ते हैं, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के बीच। पहले इतना घूम के जाना पड़ता था, फिर यहां पे बताते हैं कि मानव निर्मित इंजीनियरिंग का सबसे बेहतर नमूना है। गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये ब्लैक बेल्ट, कोलकाता है, ये पहले गवर्नर का आवास स्थान था, तो वहीं पे उन्होंने उसको लाइब्रेरी बना दी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। 2.2 बिलियन बुक्स हैं। क्या कह रहे हो, किसमें? अच्छा नालंदा ने जला दिया ना, लगाई गई थी वो तो। केरला द क्रिश्चियन कम्युनिटीज, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछता है किस पे, तो ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा। हाईएस्ट डैम टेरी डैम,
एसटी यूनिवर्सिटी भी यहीं खोली गई है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। हरियाणा में तो नहीं है एसटी, नहीं है ही नहीं, जीरो है। हरियाणा, दिल्ली और एसटी बोल रहे हो, एससी बोलो, दोनों बातें अलग अलग है। ना 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 ना, गलत है, एसटी तो जीरो है। द लॉन्गेस्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल इन द वर्ल्ड, पूरा ही जोड़ लिया। कभी नहीं सुनते हैं कि नेटवर्क अचानक टूट जाता है, कुछ मछली या कुछ ऐसा हो जाता है, तो यही। हाँ, पानी के अंदर टाइप, जेनेट गेनर 1927 में पहली बार, वही पहला 1927 में ही अनाउंस हुआ है। कब? 1913, गीतांजलि साहित्य के लिए। 13 में भी तो 13 ही कह रहा हूँ, 11 आप में इसको ही कह रहा था। बांग्ला में अवार्ड इंग्लिश के लिए मिला है, वो तो अंग्रेज समझ ही नहीं पाए थे कि क्या लिखा है, जब इंग्लिश में पढ़े तब उनको समझ में। हाँ, तब मिला द नोबेल प्राइज फॉर द इकोनॉमिक्स 1969। किसको मिला पहला? निकम, जॉन टिनबर्ग और रेगनर फिशर को। अमरसन को तो वेलफेयर नोबेल इकोनॉमिक्स के लिए मिला 1998 में। फर्स्ट इंडियन लेडी टू एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड, किसकी माँ है? संजय दत्त की। इनका ओरिजिनल नाम कुछ और है, नरगिस दत्त का, इसमें है वो तमन्ना है लिखा हुआ, अच्छा फिल्म का नाम, लेकिन उनका कुछ और नाम है, वो मिल जाएगा इसमें। यदि आप दिमाग लगाएंगे तो अपने आप पकड़ लेंगे, क्योंकि ये कोई व्यक्ति ना होके एक ब्रांड हो गया। सारे अवार्ड 1901 में शुरू हुए हैं, सिर्फ इकोनॉमिक्स को छोड़ के। सुले प्रदुमने, ये पढ़ाऊंगा नोबेल। ये ऑप्शन ही आसान दे दिया, इसमें नेल्सन मंडेला दे, तब तो तुम कंफ्यूज होते, तब भी नहीं होते। चलो, मैंने तरीका ये सिखाया था कि पहले पाकिस्तान नजदीक है तो इनको पहले दिया गया, और वो दूर है तो उनको बाद में दिया गया। अमेरिकन पूछ रहा है, और वो भी कौन सा साहित्य के लिए पूछ रहा है। मार्टिन लूथर का साहित्य से क्या संबंध है? पीस पीस के लिए मिला है। टोरी मॉरिसन, पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले। यूथांट बर्मा के थे, म्यांमार के। ऐसा पुरस्कार तो सुना ही नहीं, तो किसको दिया? जगन्नाथ कौल को।
यंगेस्ट भी हैं। शास्त्री Osborne Smith, हिंदी में बजट प्रेस करने का भी पहला श्रेय सीड देश में कोई है। हमने पढ़ाया है आपको बैंक के चैप्टर में सब। आईसीआईसीआई ऑप्शन में HSBC, यस, इनको पढ़ा भी रखा है फिर भी भूल रहे हैं। हांगकांग एंड कॉमर्शियल ऐसा हांगकांग एंड संघाई बैंक ऑफ कॉमर्स, मैंने पढ़ाया भी था इनको। इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला ICICI बैंक है। एयरटेल है तो ठीक है, अभी पीछे के पेज पे था, ध्यान दिए होंगे तो निकम में प्रेसिडेंसी में। चेक पूछा जा रहा है तो कौन सा बच गया इसमें? बंगाल बैंक एक कोई बता रहा है, नहीं पता तो लिख भी लेना। द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग ICICI। म्यूचुअल फंड समझते हैं ना, क्या आपके पैसे को हम लगाएंगे? हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं, अब डायरेक्ट लगा रहे हैं तो आप कमा नहीं पा रहे हैं, तो एक तरीके से हम आपके पैसे को लेकर इन्वेस्ट करेंगे और एक हिसाब कमाएंगे, एक हिसाब को देंगे। आपका क्या हो जाएगा? रिस्क कम हो जाएगा। मेरे क्या है, मेरे पास आइडिया तो लेकिन पैसा नहीं है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड मीडिएटर का काम कर रहा है इन्वेस्टर के एक्सपर्ट लोगों का भारतीय स्टेट में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI से क्रेडिट कार्ड याद रखना। हमने बताया था ये पहला बैंक जिसमें भारतीयों ने पैसा डाला था 1881। फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ब्रांच आउटसाइड ऑफ इंडिया इन लंदन, बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? ये क्या था वैसे? आखिर क्यों एक बार एक किताब दस बार पढ़ने के बजाय 10 तरह की किताबें में पढ़ना पसंद करते हैं? SSC की तैयारी करने वाला छात्र अपने घर को लाइब्रेरी मानकर बैठ जाता है। सफलता बहुत सी किताबें पढ़ने से नहीं आती बल्कि एक किताब को बार बार पढ़ने से आती है। सही बात है। आखिर क्यों हमें सीखने के समय सीखने के बजाय सिखाना ज्यादा पसंद करते हैं? नहीं तो हर रोज प्रतियोगी छात्र फरमान जारी करते हैं, मैं SSC तैयारी के लिए ग्रुप बना रहा हूं, अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें। मेरे प्यारे भाई, इस समय आपका 1 सेकंड अमूल्य है, कृपया पहले आप बन जाइए, फिर ज्यादा ऊर्जा के साथ किसी की मदद कर लीजिएगा। आखिर क्यों हम एक ही मार्गदर्शक पर यकीन करने के बजाय हर रोज नए नए मार्गदर्शक की खोज में लगे रहते हैं? सही बात है, हम सभी का अपना एक अलग तरीका होता है और उस चक्कर में आपकी तैयारी कभी कभी पटरी पर आ ही नहीं पाती है। हर दिन एक नया प्लान करते हैं, काम का पॉइंट है भाई। तो क्यों हमारे लिए अपनी जीत से ज्यादा दूसरे की हार मायने रखने लगती है? मैं तो कम से कम मुख्य मर्यादा तक पहुंच गया था, उसको देखो,
प्रारंभिक परीक्षा ही पास नहीं कर पाए, और इसके साथ ही हम अपना खुद को तसल्ली देते हैं, पर आपको कौन सा मुख्य परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र मिलेगा? ये आप लोगों के लिए नहीं, पुराने बच्चों के लिए। आखिर क्यों हम सब सपने से हमेशा बड़े देखते हैं, लेकिन मात्र 10% लोग ही उसकी कीमत चुका पाते हैं? बनना तो एग्जामिनर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही, पर 8 घंटे सोना नहीं छोड़ सकते, ये तो मैं ऐसे कई लोगों के लिए नियम है। सर निधि नहीं पूरी हो रही है, और ना ही 8 घंटे में पढ़ने में मन लग पाता है, तो भाई इंतजार करो, शायद कोई बाबा किसी गुट्टी का आविष्कार कर दे। आखिर क्यों हम हर काम या नई शुरुआत कल पर टाल देते हैं? नहीं, हर दिन की अच्छे से कल से करेंगे बढ़िया। आखिर क्यों अपनी नाकामी का सेहरा हमेशा दूसरों के सर पर मढ़ देते हैं? कल ही मैं देख रहा था, कल जब मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा था, कह रहे सर ऐसा नहीं है, वहां तो बहुत लोग 2-2 साल से भी हैं। तो बेसिकली क्या है कि निगेटिव आदमी को निगेटिव ही दिखेगा। 1 साल में पढ़ के ऑफिसर लगे वो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बच्चा किसी कारण बस रुक गया, नहीं कर पाया और दोबारा मेहनत किया हुआ है, तो उसको मोटिवेट करने के बजाय उसको खींचो कि तुझे 2 साल लग गए। 2 साल भी बेचारा उम्मीद लगा के बैठा है, तो हम उसके लिए मतलब एक आइडियल बात कह सकते हैं कि यार तुम्हारे अंदर है। असल में उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ पाते, इसलिए हम अपने धीरे धीरे उन्हीं को ब्लेम करना शुरू कर दिए। क्यों अपने मस्तिष्क पर हमारा नियंत्रण नहीं रह जाता? आखिर क्यों अपने समय की कीमत नहीं समझ पाते और उसे बर्बाद करते जाते हैं, जैसे ऊपर वाले से 500 साल का एग्रीमेंट करा के आए हो? हर दिन क्यों हम नया पढ़ने के चक्कर में लगे रहते हैं? नहीं, टेलीग्राम, ये PDF, वो PDF, इसका बैच, उसका बैच। जैसे फेसबुक में कोई नया मोटिवेशन थॉट ले लो का कमेंट भी कर देते हैं, जरा सोचो कितनी बार आपने ऐसा किया होगा, शायद सैकड़ों बार, पर उसमें से कितनी लाइन्स को आपने खुद की जिंदगी पर लागू कर दिया। चलो अच्छी बात है, ये किसी दिन का विषय रह गया होगा। तो कल हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो आप पढ़ के आइएगा अपने लेवल पे, पढ़ के आएंगे। हाँ, वो हर लास्ट ईयर तो हर पेपर में एक रखा था, टेंजिबल इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल के शर्त क्या है, टेंजिबल के क्या शर्त है? हम तो बहुत डिटेल देंगे आपको, मतलब लेयर इतना थोड़ी ना, लेकिन हम ये भी बताएंगे। 3 तरीके के क्वेश्चन पूछता है, किस ईयर में शामिल किया गया, किस स्टेट में है, कौन सा नहीं है। लेकिन हम ये भी सीखेंगे क्यों शामिल किया जाता है, कौन शामिल करता है। तो क्या टाइम हो गया? अस्पताल हो गया। अच्छा जी, चलो आज कुछ पढ़ाने के लिए था नहीं, टॉपिक ही ऐसा है, लेकिन इससे थोड़ा सा आपको भरोसा होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन में हमें करना है। एक बार गो थ्रू हो जाते हैं, क्योंकि स्टैटिक में ऐसा कुछ है नहीं। कल हम पढ़ेंगे क्या, इकोनॉमिक्स, तो फिर कुछ अच्छा सीखेंगे 2:30 बजे शाम वाले में, तो इसी टाइम यही सीख रहे होंगे। और यदि आप लोग दिन में एक फिक्स टाइम दे देंगे मुझे, तो शाम को मैं ऑनलाइन वालों के लिए थोड़ा अच्छे से कर पाऊंगा। जहाँ पर ऑनलाइन में बच्चा क्या चाहता है, आए 5 मिनट में कुछ सीख के चले जाए, तो 5 मिनट में क्या सीख सकता है, वो 2 क्वेश्चन। वो बहम है कि ऐसे थोड़ी ना पढ़ा जाता है, स्क्रीनशॉट वाला जमाना चल रहा है। तुम में से भी कई लोग रहे होंगे स्क्रीनशॉट वाला, लेकिन जब टाइम खत्म हो गया तब समझ में आया, कई लोग टाइम रहते समझ में आ गए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपसे सजेशन भी है बड़े भाई के रूप में कि प्लीज 100 दिन दे दीजिएगा मुझे, मतलब 100 दिन तो नहीं, 40-45 दिन में मांगता हूँ, समझ रहे हैं जो कह रहा हूँ, यहाँ पे बैठ के। कई बार लगेगा कि नहीं यार ये तो खुद से बैठ के कर लेंगे ऐसा नहीं, तो वो गलती नहीं करिएगा। या कुछ नहीं मिला तो आपको मजबूर हो जाएंगे कि हाँ मुझे पढ़ना है, ये छूट गया, वो अपने से होता होता है नहीं, स्टैटिक है ही ऐसा, मेरी मजबूरी है। और नहीं तो मुझे मूर्ख बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, कंटेंट लेके आना है और उसका इतिहास भूगोल बनाना है, तो वो चीटिंग करना नहीं है। बहुत कुछ सीख गए होंगे क्या क्या पढ़ना है। टेलीग्राम पे डाल दिया तो कैसे PDF दूं बता, टेलीग्राम के अलावा क्या माध्यम हो, ऐसे निकाल के दे दूं ले? मेरे बच्चे कितना पेज है, चल एक मिनट, पैसे की बात है ही नहीं, ये कितना पेज है, 157 पेज है। ये PPT के फॉर्म में बना है ना, ये नॉर्मल बुक के फॉर्म में आएगा तो 10-12 पेज में निपट जाएगा। बुक आ ही रहा है, PPT या पैसा, पैसा मैटर नहीं है। मैं कल इसे पूछ भी रहा था कि पैसे के लिए देते हैं बच्चे, कहा कि हाँ देते हैं, तो मैं कहाँ है पैसा, कहा कुछ नहीं, 200-300 ही मिला है। मैं क्यों,
कहा जब अपना निकलवाने आते तो कहते एक ही पेज पे दो निकाल दो, हम पढ़ लेंगे, और जब आम देते हैं तो कहते हैं कि नहीं दिख नहीं रहा है। तो मेरा पर्पज वहां पैसा नहीं था, मेरा पर्पज मिसयूज रोकना था। कितने मान लिया सभी लोग कर देंगे, 1000 रुपया दे देंगे पूरे दिन, मतलब सब कोई करेंगे, तब क्या फर्क पड़ जाए। और यदि वो ऐसे फ्री छोड़ दें तो अब सबके पास भरा होता कि मेरा ये निकाल दे मेरे। आज हम डिस्क्रिप्टिव चेक कर रहे थे, एक बालक ने 17 कॉपी दे रखी है। अब सोच के देखो, एक बालक 17 कॉपी देगा तो मैं तो चेक कर लिया, फिर तो उसका क्या है, आ जाता है प्रिंट निकलवा लेता, हमें कोई बात नहीं पढ़ने वाला है, कर देंगे कॉपरेट। तो ये अगर आपको लगे कि 157 पेज पढ़ सकते हैं तो देख लीजिए, 4 लाइन का है एक पेज। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अभी 11 बजे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।